अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं इस टाइम मौजूद हूँ कराची के एक मशहूर शाहराह फैसल, और इसमें ये जो है नेस्ला टावर की इमारत तोड़ी जा रही है। सो आए आपको यहाँ का रिव्यू देते हैं। मेन शाहराह फैसल ड्रोन देख रहे हैं आप, ठीक है। 50 दिन का टाइम दिया गवर्नमेंट ने कि इसको डिमोलिश किया जाए। देख रहे हैं आप पत्थर जो है वो गिर रहे हैं, तोड़ फोड़ जा रही है। टॉप से लेकर बॉटम तक जो है उन्होंने काम कर रहे हैं। ऊपर देख रहे हैं आप से आगे जाने का जो मना किया हुआ है, क्योंकि वो दफा 144 लगी है यहाँ पर, इस वजह से हम आगे जाकर वीडियो बना नहीं सकते। ताज़ा तरीन अपडेट दी जा रही है। काम शुरू जोरों से देख रहे हैं, अभी मलबा गिर रहा है नीचे, और इसी के बराबर में खाली प्लाट है यहाँ पर जो है मलबे का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत फास्ट काम हो रहा है ये।
भाई हमारे मास्टर भाई अब्दुल कुद्दूस, मास्टर राय अब्दुल कुद्दूस भाई हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, माशाल्लाह इनका चैनल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। तो भाई ये देख रहे हैं आप जो है वो ताज़ा तरीन रिपोर्ट, यहाँ की तोड़ फोड़ का काम जारी है, बहुत फास्ट काम चल रहा है यहाँ पर, टारगेट बहुत करीब है। पूरे सारा फसल को नुकसान नहीं होने दिया इन्होंने। देख रहे हैं वहाँ से तोड़ फोड़ शुरू हुई है और ये सारे मजदूर काम कर रहे हैं, ये सारा निज़ाम चल रहा है। ये देखें ये सारा इनका कंक्रीट वगैरह, ये इन्होंने स्टेशन की जगह लगाई हुई है ताकि यहाँ से कोई आए ना, और उसके बराबर खाली प्लॉट पे जो है बराबर में वहाँ पर जो है इन्होंने अपना मलबा अलबा फेंका हुआ है। मलबे का ढेर ही ढेर देख रहे हैं आप, ये मजदूर लगे हुए हैं यहाँ पर, मजदूर अपना काम कर रहे हैं ताकि जो है ना यहाँ पर लोग महफूज रहें, क्योंकि यहाँ जो ऊपर से पीस कितने हुए आ रहे हैं वो जो है नीचे किसी को नुकसान ना पहुँचाए, इस वजह से देर देख रहे हैं आप। मलबा आपने देखा कितना खतरनाक तरीके से गिरा, अगर ये इधर लोग होते तो ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होता। नीचे ज़्यादा करीब जाने की वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए मैं जो इस टाइम पर ये पुल है और इस पुल पर खड़ा हूँ। ये नर्सरी का ही पुल है, टावर की अपडेट जो हमने आप पर तक पहुंचाई। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।